बॉलीवुड की पंगलगढ़ यानी कि कंगना रनौत राजनीति में अपना कदम रख चुकी हैं, चुनाव जीत चुकी हैं और टिकट भी पक्का कर चुकी हैं। हालांकि हम इनके राजनीतिक सफर की बात बिल्कुल नहीं करने वाले, हम इनके बॉलीवुड की कुछ बात करेंगे। बॉलीवुड में आज तक न जाने कितनी फिल्में दे चुकी हैं और कुछ सुपर डुपर हिट रही तो कुछ से काफी ज्यादा फेमस भी हुई। हालांकि अपनी बेबाकी से हर किसी को जवाब देने के लिए भी जानी जाती हैं, पीछे नहीं हटती। और इस लिस्ट में अगर बात करें तो बॉलीवुड में काफी एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे हैं जिनको ये देखना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं, या कह दीजिए कि जिनका इनसे 36 का आंकड़ा है। तो सबसे पहला नाम इस लिस्ट में आ जाता है ऋतिक रोशन का। जी हाँ, क्रिश 3 के दौरान दोनों मिले। हालांकि ये भी कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को डेट भी किया, ये तो खैर ये दोनों ही जाने, लेकिन कहा यह गया कि बाद में कंगना रनौत ने ऋतिक रोशन को लेकर कई सारे इल्जाम लगाए। दूसरा नाम इस लिस्ट में आता है आलिया भट्ट का। आलिया भट्ट की मूवी जब गली बॉय आई तो उन्होंने गली बॉय को लेकर और आलिया भट्ट की एक्टिंग को लेकर इसमें काफी कुछ कहा। हालांकि आलिया भट्ट ने कभी कंगना रनौत को इस पर मुड़कर कोई जवाब नहीं दिया। अगला नाम इस लिस्ट में आता है रणबीर कपूर का। रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल सुपर डुपर हिट रही, लेकिन कंगना रनौत को शायद रास नहीं आई, या कह दीजिए पसंद नहीं आई, और उस फिल्म के आने के बाद उन्होंने काफी कुछ रणबीर कपूर को कहा। अगला नाम इस लिस्ट में आता है करण जौहर का। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते होंगे, कॉफी विद करण में कई बार इन दोनों के वीडियोस वायरल हुए हैं जहां पर कंगना रनौत करण को काफी कुछ खड़ी खोटी और उल्टा सीधा, या कह दीजिए एक बात कहती नजर आई है, स्पेशली नेपोटिज्म को लेकर काफी ज्यादा इन दोनों की लड़ाई होती है और इन दोनों का वाकई में 36 का आंकड़ा है। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, करण का तो पता नहीं लेकिन कंगना बिल्कुल नहीं। अगला इस लिस्ट में नाम आता है सोनम कपूर का, यानी कि अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर। इनको भी इन्होंने काफी कुछ पहले कहा हुआ है। अगला नाम स्वरा भास्कर का। हालांकि कंगना ने स्वरा भास्कर को तो बी ग्रेड की एक्ट्रेस तक कह डाला था। अगला नाम इस लिस्ट में आता है तापसी पन्नू का। तापसी पन्नू के साथ कंगना की ढेर सारी लड़ाइयां हुई थी, हालांकि तापसी ने भी इस पर चुप्पी नहीं साधी थी और इन दोनों का जमकर काफी कुछ सोशल मीडिया पर देखने को मिला था। हालांकि इनके फैंस भी इनके सपोर्ट में खड़े होते नजर आए थे। और अगला लास्ट बट नॉट लीस्ट अगला नाम आता है इस लिस्ट में संदीप वाडा रेड्डी का, जो कि डायरेक्टर हैं। हालांकि ये बात कंगना रनौत ने अपनी इंस्टा स्टोरी से खुद बताई थी कि वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, या फिर काफी कुछ इनको लेकर इतना तक कह डाला था कि वो इनके साथ फ्यूचर में कोई काम नहीं करेंगी। हालांकि ये सुनकर हर कोई शॉक्ड रह गया था, हैरान रह गया था। वेल, अभी के लिए बस इतना ही। बाकी ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।